जीके सेक्टर में जरूरत हो बट हिमालय परिवार तैयार। गाँव की स्थिति बहुत डावाडोल है। पंख है जिसका 30 साल पहले मगन बिसा जी से शादी होने के बाद में लग गया। राम राम, मैं सुदेश थे देख रहा हूँ झलको बीकानेर। आज आप RCP कॉलोनी मायने एक स्कूल है उच्च माध्यमिक बटे खड़िया हाँ। और अठे की जी खास बात वह है की मतलब अठे का जगह लेडीज समुदाय है और एक बीजेपी का आप केसका की उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी केसका बने या एक मुख्य चेहरों भी केसका पे अपने सागे जुड़ेड़ा है। आप अलग अलग किरदारों बात कर सा और अठे की जी मेन बात है बात है आ बतावा की आज की पीछे बिल्डिंग देख रहे हो आ बिल्डिंग भी तो आप सार्वजनिक बिल्डिंग केसका लेकिन इस सार्वजनिक बिल्डिंग रे अंदर जका अनाथ बच्चा हुआ है या वे बच्चा हुआ है जका मतलब गरीब बच्चा हुआ है जका का माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सके भी चीज़ा ने तो वे बैठे मतलब अवेलेबल कराई जावे और पूरे बीकानेर की सिटी की जी की महिलाएं हैं जका कार्य कर रहे हैं। झलको नेटवर्क को वो प्रयास हमेशा रहे है कि जो अच्छो काम कर रहे है बढ़िया काम कर रहे है समाज के मायने बांसू रूबरू करवाणो और बांगो जो को प्रयास है बान अप्रिशिएट करके और ऊपर तक लियाणो मारो हमेशा प्रयास रहे। बीसू पहला निवेदन है चैनल पर नया हो तो चैनल ने ढेर सारो प्यार दे दो ताकि अपन जन जन की आवाज है यही उठाता रहे। वहाँ आप आंसू बात करांगा। राम राम मैडम। राम राम। आपनो शुभ नाम क्या है? मारा डॉक्टर सुषमा मगन बिस्सा है नाम। अच्छा तो आप अभी किस कार्य पद पर मतलब मैं बीजेपी जिला री उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। और हिमालय परिवार अध्यक्ष हूँ और हाँ। जोधपुर संभाग री प्रभारी हूँ। अच्छा। और नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन री राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जिकर दिल्ली में हेड ऑफिस है बीरे माना हूँ मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ। तो आप अगर बात करा तो मतलब एक इतो बड़ो मतलब पद मिलो है तो फिर जरूरत कट पड़ी समाज सेविका बनने री? नहीं समाज क्योंकि तावड़ा में घूमना पड़े समाज सेवी का बनो एक अलग से कोई उद्देश्य को नहीं लेकिन हाँ। आप अगर काम विश्व कर रहे हो तो लोग अपने समाज सेवी कहने लग जाए। हाँ। बाकी मैं आपको नहीं मानू कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ। हाँ। ठीक है जिको जरूरतमंद हुए मेरे पास अगर कोई काम करना पड़े तो बहुत जरूर मैं अवेलेबल रहूँ। हाँ। मतलब वो बहुत ही थारो जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है और जब मैं थारी हिस्ट्री चेक करा जब माने वो पतो लगे कि थे इसी कोई जगह को नहीं बीकानेर कोनो कोनो है बढ़े थे पहुंचो और बढ़े थारो मतलब उपस्थिति है बात दर्ज है तो वो जुनून हो कितना सालों मतलब आ रही हो अंदर? अब जुनून तो हमारे ख्याल से पैदा होने के बाद समझ पकड़ी भी बात आ ही रही है। हाँ। लेकिन क्या करें पंख है जिसका 30 साल पहले मगन बिसा जी से शादी होने के बाद में लग गया क्योंकि 101 मिल रही 11 हो जाया करे और अब तो हमारे साथ 111 से भी ज्यादा है तो एट ए टाइम मारे खाने अगर मैं फोन करूँ तो 100-200 लोग इकट्ठा हो जाए। मगन बिस्सा जी आप बात कर लें तो के अपने रिश्तों है मगन बिस्सा हमारा पति देवा मतलब पतिदेव को साथ मिल गयो मतलब मीडिया नेटवर्क का माई ने पतिदेव को साथ को नहीं बोलिया अगर वे देख रहे हैं तो आज बहुत ही खुश हो ला। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अच्छे काम में भी हमेशा साथ है और माड़े काम में भी हमेशा साथ है हर सुख दुख में थे दोनों साथ रहे हो। जी जरूर बिल्कुल क्योंकि घर में अगर सपोर्ट मिले तो आपका काम और अच्छी तरह से कर सका। और अब हमारे परिवार में हमारे दो बेटा है एक तो बेटो अठे सगे आईडो है तो अब वह दोनों भी हमारा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं प्लस हमारे साथ है इतनी महिलाएं है बात करांगा आप मतलब कठू बिलोंग करा नोर भादरा। अच्छा। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर अच्छा। सुधा गोविंद शर्मा। अच्छा और अभी अठे अभी तो हिमालय परिवार कार्यक्रम में भाग लिए मंजूर श्री जन्म उत्सव मनाए अभी मैं आया। हाँ। और यूं पहली लोकपाल जिला परिषद। हाँ। रो 2 साल रो कार्यकाल रहे हो बहुत शानदार कार्यकाल रहे हो। हाँ। जिका मैं नरेगा रे संबंधित कोई भी गड़बड़ियां लोग दी तो खूब रिकवरी भी निकाली। हाँ। लोकपाल खुश भी आ तो थोड़ा बहुत गणा दुखी भी। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल ओ तो देखो अपवाद हर जगह अपन मिले लो लेकिन आप बच्चा की क्षेत्र की बात कर लें या समाज सेवा की बात कर लें तो बड़े अपवाद कितो देखने मिला था? बच्चा रे समाज सेवा भी बहुत काम बाकी है। हाँ। मतलब जी आप ऊपर देखा अभी तो को नहीं। हाँ। और जी को रूट ग्रास में तो टाबरा रे बहुत जरूरत है बहुत जरूरत। हाँ। है और वो करसी कौन थैर में मिल रही करसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज गौरवान्वित महसूस करा खुद ने कि मैं भारत री इसी बेटियों इसी माताओं बात कर रहा हूँ जबकि माता एक बिसी माता ने मतलब गौरवान्वित महसूस करावा है जबकि माताएं आप बच्चा ने सक्षम रूप मतलब कौन दे सके। बिल्कुल गौरव महसूस करा। हाँ। हमारो एक लड़को है। हाँ। वो अभी अभी लेफ्टिनेंट में भर्ती हुई है इंडियन आर्मी में। हाँ। तो वो भी मान बहुत गौरवान्वित करवाए हुए है कि हाँ। इस फील्ड ने चुन जदा आज भाई ऐशो आराम है बच्चा बहुत हो बीरो इनकम टैक्स में भी सिलेक्शन हो लो। हाँ। IB में भी सिलेक्शन हो लो बट वो गयो बीर मैंने। हाँ। क्योंकि मेरी इच्छा है और वो थे काम है जो कितना सालों कर रहे हो
समाज सेवा में जुड़न यूँ पिछले 10-12 साल हूँ। पहले जन चेतना विकास जुड़ रहा, अब हिमालय परिवार हूँ जुड़ गया। तो हिमालय परिवार थोड़ो ब्रॉड है कि ये शिक्षा में भी है, सर्वांगीण विकास भी है, एडवेंचर भी है, महिलाओं रो भी है, मतलब अलग जीके सेक्टर में जरूरत है बट हिमालय परिवार तैयार है। मतलब सिटियों कभी बाहर निकल रहे थे, देखो कि सिटियों बाहर निकल रहे गाँव की स्थिति के। गाँव की स्थिति बहुत डावाडोल है। मैं जिया नरेगा में इज्जत भी जाती तो महिला ने जितो आपा सोचा भी तो भी सो कुछ भी कोनी। तो हमारा प्रयास थाने क्या लगे? बहुत शानदार प्रयास सर। मैं कहूँ कि इस पूरे गवर्नमेंट रे एक एक व्यक्ति तक आ बात पहुँची। हाँ। और भाई मैं सुधार करने की कोशिश कर सी कि कट्ठे पैसा लगाने की जरूरत है। हाँ। और कट्ठे पैसा वेस्ट हो रहे हैं। हाँ। तो आ बात आप ही लोग पहुँचाने वाला। हाँ। हाँ। क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने मालूम को नहीं किया बीकानेर में आई जी एम पी में क्वार्टर खाली पड़ गया है ना। तो और काम आप रहे हैं और मैं कहूँ कि देश और प्रत्येक नागरिक अगर आप उत्तरदायित्व समझे तो हमारे ख्याल से आप देश विश्व गुरु बन सके। गाँव में जबकि महिला है और आज भी मतलब प्रथा चलती आई है, घूंघट प्रथा ले लो या दहेज प्रथा ले लो, भी प्रथा ना भी आज की प्रथा है। आप प्रथा बहुत खतरनाक प्रथा है, इन हटाने रो काम थे अगर करो तो मैं उम्मीद करूं कि आने वाले कुछ ही टाइम में आपने मतलब गांव में भी सजग है जिसकी रिपोर्ट आ सके। नहीं ये मायने में लायंस क्लब रहे, मैं उपाध्यक्ष रह रही हूं। हाँ। तो उड़ान ली तो बी टाइम भी मैं सो काम करियो था। हाँ। प्लस कुछ डॉक्टर्स लोग मिल रहे मारसा के भी करियो। हाँ। और जिकी गायनिक डॉक्टर है बुलान में ऐसा कैंप भी लगवाऊ मारे स्कूल रहे मायने। तो मैं लोग प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी करता रहे सा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और मैं उम्मीद करा झलको नेटवर्क पूरा है जको थारू उम्मीद करे कि थे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा काम करो और जब नेक्स्ट इंटरव्यू मैं लेवांगा थारू तो आज की अप्रोच है आ डबल मिलेली माने। जरूर जरूर। हाँ। मैं पूरी आई आशा और उम्मीद करा। हाँ। कि थारी जी की उम्मीद अभी पर खरा उतरा। हाँ। जी बहुत बहुत बढ़िया मारू मतलब बात कर थाने किया लगे थे माने बाद में जरूर बताया और मारो जो प्रयास है वो किया है वो भी थे जरूर बताया। और माने अगर मैं बात करा मारी तो माने बात कर थारू बहुत अच्छा लगे और उम्मीद करा कि थारे चेहरे पर मुस्कान है जबकि हमेशा बनी रहे। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है और अलग अलग फील्ड में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लोकपाल है, कोई गृहणी है। तो मैं सब मिल रहा आप अपनी जितनी भी क्वालिटी झुकी हुए बिने आप यूज करा और लोगों ने पहुंचा वहां जिक्र माने। मैं जहाँ आपने पहले भी बात हुई थी बताया गरीब बच्चों वास्ते, गूंगा बहरा बच्चा वास्ते, ब्लाइंड बच्चा वास्ते और इसी गरीब संस्थाओं वास्ते काम करा और आगे भी मैं करता रहता। तो आज आप भारत की बेटियों भारत की माताओं आप जुड़ेड़ा हा और उम्मीद करा थाने कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताओ या आंसू पहला कभी भी थे मिलेड़ा हा तो जरूर बताओ। और अगर थारे एरिया में कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है तो थे माने कमेंट के माध्यम जरूर बताओ। झलको नेटवर्क की टीम बैठे पहुंचने की जरूर कोशिश करेगी। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना।